सर रिजल्ट अभी आया है उसको लेकर कि क्या कुछ मामला पेंडिंग है, क्या कुछ बात चल रही है? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये स्टेट की तरफ से ये एग्जाम होल्ड किया जाता है जिसे हम सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, तो ये महज अहर्ता के लिए है। इससे आप पास हो जाते हैं तो आप टीचर बनने के लिए आप इनेबल्ड हो जाते हैं। पर ये मेरिट लिस्ट नहीं है, इसे मेरिट लिस्ट नहीं है। This is an eligibility test, जो आपको पात्रता देता है कि आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं या नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी दरमियान नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एडुकेशन जो भारत सरकार के की एक संस्था है उसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले निर्णय संसूचित किया गया है कि ये जो टीईटी का एग्जाम होता है और उसमें जो रिजल्ट आता है आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते हैं तो उसकी जो अधिमान्यता है अब उसको लाइफ लॉन्ग कर दिया गया है। तो बिहार सरकार ने भी, हम एनसीटी के पैटर्न पर ही चलते हैं, तो हम लोगों ने भी हमारे राज्य में जो प्राइमरी के लिए जो टीईटी होता है और सेकेंडरी के लिए जो टीईटी होता है उसको भी हम लोगों ने लाइफ टाइम के लिए अधिमान्यता उसको दे दी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके दूरगामी क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बिंदु को हम लोग असेस कर रहे हैं और विभाग इस बिंदु पर समीक्षा कर रहा है। जब समीक्षा हो जाएगी तो संजय सर का भी यही कहना है कि जो एसजेट है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये कोई कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम नहीं था। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था क्या वहाँ पे मेरिट लिस्ट का जिक्र किया था कि नहीं? और जब सीटेट आप भरते हैं फॉर्म, वो भी तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्या वहाँ पे कहीं मेरिट लिस्ट जैसे शब्द यूज किए गए होते हैं? चलो आपने सीटेट जिस दिन पास किया था, क्या आपने सरकार से जिद की थी नहीं हमें ज्वाइनिंग दिलाओ हम पास, लेकिन जिस दिन आपने एसटेट पास किया उस दिन आपने जिद की, आपने बोला कि नहीं अब मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, इसका मतलब तो यही है ना कि इसको सरकार ने प्रूव किया हुआ था, उसमें लिखा था कि जो मेरिट लिस्ट वाले हैं वही आगे जाएंगे, उन्हीं का चयन होगा। तो आज सरकार क्यों हमारे विश्वास के साथ खेल रही है? संजय सर का कहना है कि इसकी लाइफ टाइम वैधता बढ़ा दी गई है, विजय कुमार चौधरी सर का भी यही कहना था कि इसकी लाइफ टाइम वैधता बढ़ा दी गई है। अगर हम आज बैठ जाते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से, घर वालों से, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, खाना पीना पूरा वो कहते हैं अब तुम अलग हो जाओ हमसे, क्या सरकार हमें 10 साल बैठा के खाना खिलाएगी, खर्चा उठाएगी हमारा 10 साल तक? कि वो हमें कहती है कि वो इसे लाइफ टाइम वैधता देती है, जिसकी फैमिली अच्छी है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं उनका तो ठीक है, कोई ना कोई साधन है जीने का, लेकिन जो लोग गरीब हैं जिनकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, क्या वो सोचते हैं कि पेरेंट्स उनको कितने दिन बैठा के खाना खिलाएंगे, किसे लाइफ टाइम वैधता का नाम दे दिया? यही बात है कि बिहार में लोग गलत गलत काम करने पे उतर जाते हैं, चोरी डकैती ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि सरकार पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी तो देना ही नहीं चाहती है। बिहार में होना मतलब बिहार में कोई रहना कहाँ जाता है, बिहार से सारे बाहर को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अब कोई नहीं रहता, पढ़ लिख कर यहाँ पर दर दर भटकने से अच्छा कि मूव ऑन करो, कहीं और चले जाओ, यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी स्टेटमेंट सुनने का किसका मन करेगा कि एलिजिबिलिटी टेस्ट बार बार इसे कहा जाता है, कॉम्पिटेटिव नेचर के एग्जाम को एलिजिबिलिटी टेस्ट देने का नाम में लगे हुए, सिद्ध करने में लगे हुए हैं लोग, बार बार प्रूव करना चाहते हैं नहीं ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एस्टेट है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कितनी बार बोलोगे आप, हमें सुनाई नहीं देता क्या, हमें नहीं पता चलता कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है या नहीं था? आपने कोर्ट में हलफनामा दिया था, आपको पता था कि कॉम्पिटेटिव नेचर का एग्जाम है, आपके पास इतने सारे प्रूफ्स हैं जिसमें लिखा हुआ है कि मेरिट वाले को क्वालिफाइड करना था एंड नॉट इन मेरिट वाले को डिसक्वालीफाइड करना था, लेकिन आपने गलती की, आपने 37,000 की जगह 80,000 को इस भीड़ में शामिल कर दिया, देन आप हम पे आज सवाल उठा रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि हम मेरिट लिस्ट में, मेरिट लिस्ट की तो बात छोड़िए, आप हमें कह रहे हैं कि ये लाइफ टाइम आपने वैधता बढ़ा दी है, साथ में ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट था। ऐसे काम करके सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया हो रहा है, आज के जो युवा हैं उनमें इतनी शक्ति है, कार्य शक्ति है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इतना टैलेंट है, भरे हुए हैं टैलेंट से, बट उनके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। प्लेटफॉर्म क्या है? उनका स्कूल, जहाँ पे वो जाते और अच्छे से अपनी कार्य शक्ति को वहाँ पे लगाते, वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाते लिखाते और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आती ना बिहार में,
जो इतने सालों से आपने ऐसे शिक्षक रखे हो, संदेह मंदे के स्पेलिंग नहीं आते, एबीसी नहीं आता, बिहार का सीएम कौन है, देश का कैपिटल कौन है हमारे देश का, ये सब उनको नहीं पता है, तो आपको अच्छा लग रहा है ना, उससे आपके बिहार की बहुत ज़्यादा वाहवाही हो रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ हो रही है। आपको तो वैसे ही शिक्षक चाहिए, आपको एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तो सबसे बेस्ट तो आपको ही बनना है ना। जब हम शिक्षक बन जाएंगे तो कल को हम भी नेतागिरी। देखिए, ये स्टेट के तरफ से ये एग्जाम होल्ड किया जाता है, जिसे हम सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। तो ये महज अहर्ता के लिए है, जिससे आप पास हो जाते हैं तो आप टीचर बनने के लिए आप इनेबल्ड हो जाते हैं। पर ये मेरिट लिस्ट नहीं, दिस इज एन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपको पात्रता देता है कि आप शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं या नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी दरमियान नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो भारत सरकार के की एक संस्था है, उसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले निर्णय संसूचित किया गया है कि ये जो टीईटी का एग्जाम होता है और उसमें जो रिजल्ट आता है, आप क्वालिफाई करते हैं या नहीं क्वालिफाई करते हैं, तो उसकी जो अधिमान्यता है अब उसको लाइफ लॉन्ग कर दिया गया है। तो बिहार सरकार ने भी, हम एनसीटी के पैटर्न पर ही चलते हैं, तो हम लोगों ने भी हमारे राज्य में जो प्राइमरी के लिए जो टीईटी होता है और सेकेंडरी के लिए जो टीईटी होता है, उसको भी हम लोगों ने लाइफ टाइम के लिए अधिमान्यता उसको दे दी है। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में भी अब हम लोग देख रहे हैं कि इसके दूरगामी क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इस बिंदु को हम लोग असेस कर रहे हैं और विभाग इस बिंदु पर समीक्षा कर रहा है। जब समीक्षा हो जाएगी तो अनिता, तो संजय सर का भी यही कहना है कि जो एसटेट है ये एलिजिबिलिटी टेस्ट था, ये कोई कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम नहीं था। लेकिन आप लोग मुझे बताओ, जिस दिन आपने फॉर्म भरा था कि वहां पे मेरिट लिस्ट का जिक्र किया था कि नहीं, और जब सीटेट आप भरते हैं फॉर्म, वो भी तो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, क्या वहां पे कहीं मेरिट लिस्ट जैसे शब्द यूज किए गए होते हैं? चलो आपने सीटेट जिस दिन पास किया था, क्या आपने सरकार से जिद की थी, नहीं हमें ज्वाइनिंग दिलाओ हम पास, लेकिन जिस दिन आपने एसटेट पास किया उस दिन आपने जिद की, आपने बोला कि नहीं अब मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, इसका मतलब तो यही है ना कि इसको सरकार ने प्रूव किया हुआ था, उसमें लिखा था कि जो मेरिट लिस्ट वाले हैं वही आगे जाएंगे, उन्हीं का चयन होगा। तो आज सरकार क्यों हमारे विश्वास के साथ खेल रही है? संजय सर का कहना है कि इसकी लाइफ टाइम वैधता बढ़ा दी गई है, विजय कुमार चौधरी सर का भी यही कहना था कि इसकी लाइफ टाइम वैधता बढ़ा दी गई है। अगर हम आज बैठ जाते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से, घर वालों से, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, खाना पीना पूरा वो कहते हैं अब तुम अलग हो जाओ हमसे, क्या सरकार हमें 10 साल बैठा के खाना खिलाएगी, खर्चा उठाएगी हमारा 10 साल तक, कि वो हमें कहती है कि वो इसे लाइफ टाइम वैधता देती है? जिसकी फैमिली अच्छी है, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका तो ठीक है, कोई ना कोई साधन है जीने का, लेकिन जो लोग गरीब हैं जिनकी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, क्या वो सोचते हैं कि पेरेंट्स उनको कितने दिन बैठा के खाना खिलाएंगे, किसे लाइफ टाइम वैधता का नाम दे दिया? यही बात है कि बिहार में लोग गलत गलत काम करने पे उतर जाते हैं, चोरी डकैती ऐसे ऐसे यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं, क्योंकि सरकार पढ़े लिखे नौजवान को नौकरी तो देना ही नहीं चाहती है। बिहार में होना मतलब बिहार में कोई रहना कहाँ जाता है, बिहार से सारे बाहर को मूव कर रहे हैं, यहाँ पे अब कोई नहीं रह, पढ़ लिख कर यहाँ पर दर दर भटकने से अच्छा कि मूव ऑन करो, कहीं और चले जाओ, यहाँ पर रहने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट सुनने का